गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम अवकाश फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर. हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सुपर एलिवेशन तक पढ़ चुके हैं. सुपर एलिवेशन के बाद हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी पढ़ ली है. आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, दैट इज ट्रांजिशन कर्व. देखिए, जब भी हम कोई अलग टर्न लेते हैं तो क्या होता है, हम एक कर्व को फॉलो करते हैं. अब हम किसी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट कर्व पे नहीं जा सकते, किसी भी सर्कुलर कर्व पे नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि वो एक कंफर्ट कंडीशन को प्रोवाइड नहीं करवाएगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मतलब आप स्ट्रेट रोड में थोड़ा चेंज करना स्टार्ट करेंगे और जो कि सर्कुलर कर्व में जोड़ेगी, तो वो जो पोर्शन होगा वो कहलाता है ट्रांजिशन कर्व. तो ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड टू चेंज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली. ठीक है, ट्रांजिशन कर्व हैज़ ए रेडियस इक्वल टू इनफाइनाइट एट स्ट्रेट रोड एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज टू डेजिग्नेटेड रेडियस एट सर्कुलर कर्व. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, अब देखते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू हम ये क्यों प्रोवाइड कराते हैं ये देखते हैं. टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर टू अवॉइड सडन जर्क. टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली. टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली. ठीक है, अगर हम देखो स्ट्रेट रोड से अचानक से कर्व पे चले जाएंगे तो सडन जर्क लगेगा, उसको हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं. फिर हम देखते हैं कि सुपर एलिवेशन होता है, उसको भी अचानक से हम अगर एक रोड को एक तरफ से उठा देंगे तो फिर वो भी सही नहीं होगा, तो हम इसलिए भी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है, अचानक से रोड हम एक जगह पे ही जाके रोड की विड्थ नहीं बढ़ा सकते, उसके भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रांजिशन कर्व होता है. अब नेचर कैसा होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो होता है स्पायरल भी होता है, कैल्थोइड भी होता है, क्यूबिकल पैराबोला भी हो सकता है, लेमिस्केट भी हो सकता है. एज पर IRC रिकमेंडेशन, स्पायरल नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज अडोप्टेड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड क्यूबिकल पैराबोला ट्रांजिशन कर्व इज अडोप्टेड फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना ये जो पॉइंट है, एज पर IRC रिकमेंडेशन. ठीक है, अब देखते हैं फॉर ए स्पायरल ट्रांजिशन कर्व. स्पायरल का मतलब पता है आप लोगों को, स्पायरल का मतलब होता है द चेंज इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोथ. ठीक है, अब देखते हैं फॉर ए स्पायरल ट्रांजिशन कर्व, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्व. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज कंसिडर मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्राइटेरियाज. अब इसमें देखा हम तीन क्राइटेरिया देखते हैं. पहला होता है एज पर चेंज ऑफ रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय एम्पिरिकल रिलेशन. पहला है क्राइटेरिया वन, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कंफर्ट कंडीशन आती है इसमें. लेट्स सी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, देन सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर माइनस जीरो बाई टी. ठीक है, तो इसका मतलब सी क्या बन गया, वी स्क्वायर बाई आर टी. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल्स टू वी इंटू टी, तो टी इक्वल्स टू एल बाई बी. सो फ्रॉम वन एंड टू दोनों रिएक्शन से हम दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे तो सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर बाई एल बाई वी, सॉरी आर इंटू एल बाई वी. एंड सो लेंथ क्या आएगी, वी क्यूब अपॉन सी आर. अब एज पर IRC सी क्या है, सही सी की वैल्यू होगी 80 बाई 75 प्लस वी. ठीक है, तो इसका मतलब सी की जो वैल्यू आएगी, ये देखो यहाँ से आ जाएगी. सी वैसे 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में वेरी करता है, तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाली तो ये आ गया 0.278 वी क्यूब अपॉन, सॉरी वी का होल क्यूब अपॉन सी आर. अब इसको अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो देखो ये हो गया 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी आर. डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन अगर आएगा तो ये ही यूज़ करना है. द रिलेशन ऑफ सी इज ओनली डिफाइंड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ट्रांजिशन कर्व. क्राइटेरिया टू, एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल्स टू एल. ठीक है, अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल्स टू एल मान लिया तो
प्लेन और रोलिंग टेरेन के अंदर तो 150x होगा और l इक्वल टू 60x होगा हिली टेरेन में, जो x है ना वो रेज इन आउटर एज है, ठीक है, सुपर एलिवेशन से आता है। तो अब देखते हैं रेट इन आउटर एज। तो राउट सबसे पहले अगर मान लो अपने सुपर एलिवेशन में पड़ा होगा, देखो कि अगर पेमेंट को उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं तो x की वैल्यू कैसे आएगी, e इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और रोटेशन अबाउट इनर एज वो होगा ई एक्स इक्वल टू ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। अब क्राइटेरिया थर्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एम्पेरिकल रिलेशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, जिसके अंदर ये लेंथ हो गई फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, और अगर हिली ट्रेन में जाना है तो वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखें हम ये एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एन एक्सप्रेस वे ऑफ फोर लेन पासिंग थ्रू ए फ्लैट टेरेन हैज़ ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस इक्वल्स टू रूलिंग मिनिमम रेडियस एंड इफ वी डिज़ाइन इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द कर्व रूलिंग मिनिमम रेडियस, रूलिंग मिनिमम रेडियस। तो मिनिमम रेडियस के लिए तो क्या करोगे फिर, मैक्स तो क्या ले लोगे, एलिवेशन सॉरी सुपर एलिवेशन एंड एफ लोगे भी मैक्स, तो यहाँ से 120 का स्क्वायर डिवाइड 127 0.07 प्लस 0.15 ये मिनिमम आ गया आर मिनिमम। फिर ई इक्विलिब्रियम आ गया वी स्क्वायर बाई 225 आर। फिर आपको निकालना है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला आपको याद होगा एन एल स्क्वायर बाई टू आर प्लस वी बाई वी बाई 9.5 अंडर रूट आर, तो यहाँ से एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ गया। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने लिए वही है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व देखो, सी की वैल्यू निकालो पहले, 80/75 प्लस वी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, आपका लेंथ ये आ गया। फिर आता है ई बाई टू इंटू 14 प्लस 689, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल दी है वो जोड़ देंगे अपन, यहाँ से आ गया। फिर लेंथ किससे निकाल देंगे, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल दिया, तो इसमें से देखो आप सबसे कम कौन सा है, ये है, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी सबसे ज़्यादा कौन सा था, ठीक है, तो ये है। आप इस क्वेश्चन को वापस से करना एक बार, ठीक है, फिर आपको हो जाएगा। ट्रांजिशन कर्व के अंदर और कुछ ज़्यादा पूछने का नहीं होता है, ठीक है, आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सोचेंगे तो आएगा ये स्पाइरल नेचर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के लिए जाओगे तो सब्जेक्टिव में आप ये तीन क्राइटेरिया बस फॉलो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।